और यहाँ पर देखें चावल जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और साथ में मैंने रायता भी बनाया। ये तो मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड दही तो बिल्कुल नहीं खाते हैं। अभी देखते क्या लेके आई हैं अम्मी, क्या लेके आई हैं? ये फलूदा है, ये कल बनाना है। आपको बनाना आता है? इसके अलावा मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि भाई काफ़ी जो है ना बुरा वक्त आ रहा है, जो कि काफ़ी क्राइसिस वगैरह दिखने पड़ रहे हैं शादी को लेके या हमारे ड्यूज वगैरह पे करने के उसके लेके होते रहते हैं इंशाल्लाह। बस यही आपसे आवाम से जो है ना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत हैं। तो जी आज की सुबह का आगाज़ माशाल्लाह से हो चुका है, और अलीबा आज फजर से उठी हुई थी माशाल्लाह, उन्होंने नमाज़ पढ़ी फिर कुरान पाक पढ़ा, लेकिन मैं सोता रहा क्योंकि मैं 3:30-4 बजे सोया था पानी देख के, और फिर अभी उठाऊँ नाश्ता वगैरह अलीबा बना रही है, नाश्ता करते हैं फिर पानी का बारी भी है आज, कज़न को मैंने अलर्ट किया हुआ है। अगर पानी मेरे ऑफिस जाने से पहले आ गया तो मैं देख लूँगा, और अगर मेरे जाने के बाद आया तो मेरे कज़न को मैं मैसेज कर दूँगा, वो देख लेगा क्योंकि उसकी शॉप बराबर में ही है, तो वो देख लेता जब हमारी गैर मौजूदगी में। फ़िलहाल की अपडेट ये है कि अलीशबा कल रात से और अब तक अबू को मिस करें क्योंकि घर में वो अब अकेली होंगी, और उसके साथ आधे टाइम तक मैं हूँगा, फिर शाम को अम्मी आ जाएगी, उसके बाद वकार भी आएगा और मैं भी आ जाऊँगा, तो घर में अलीशबा ही सब देखभाल कर रही होगी माशाल्लाह से। अब वो इतनी स्ट्रांग हो गई है कि वो सब देखभाल अकेले कर सकती है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जो भी अपडेट होगी आपको हम देते रहेंगे, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। चले जी अभी हम जो है ना कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं, और इस बार हाँ दहेजी गाड़े मैं भी खड़ा हूँ, तो समझ मैं भी बनवा रहा हूँ, खड़ा होना भी एक बड़ी बात है, और साथ में हल्का फुल्का हेल्प भी करूँगा ना आपके साथ। हम तो मैंने देखा वो हेल्प का मतलब होता है ना हाफ हेल्प करना, हाफ का मतलब आधा काम आप करेंगे आधा मैं, इसका ये मतलब होता है। तो ये भी हेल्प है कि मैं एक व्लॉगिंग बना रहा हूँ, ठीक है? तो अभी जो है आज अलीशबा ने कुछ नया बनाने को बोला, क्या सोच रहे हैं आपने क्या बनाना है? नया तो नहीं है, बस आपके लिए ना मैंने चावल बनाने हैं। चावल बने नहीं बने ना जब से मैं आई हूँ। हाँ चावल ख़त्म नहीं हो गए ये हैं, बस आज के हैं, आज के हैं। चले फिर और मंगवा लेते, अम्मी कह रही थी कि कहीं यहीं से पकड़ लेंगी, क्योंकि अम्मी कह रही थी कि भाई इम्तियाज़ से ला रहे हैं वो महंगे पड़ रहे हैं और बनस्पत यहाँ सस्ते पड़ेंगे। वैसे तो ये एक गलत फिलॉसफी है क्योंकि वो इकट्ठे मिलते हैं सस्ते मिलते हैं क्योंकि बल्क में होते हैं, वो होलसेल की शॉप है, और जो लोकल शॉप है यहाँ पर महंगे मिलते हैं, तो ये गलत कॉन्सेप्ट था। देखते हैं इस बार अम्मी का क्या आजमाया ये कैसा गुजरता है, देख लेते हैं ना कि अम्मी कितना जो है इस चीज़ का बजट करती हैं इस बार। तो फिलहाल बजट फाइनल हुआ है, अम्मी यहीं से लाएंगे चावल, अभी ये आखिरी जो बर्न ख़त्म हो जाएंगे इसके बाद। और बर्न क्या रहा है वैसे आज? आलू चावल। चले जी, और अबू चिकन वाले बना रहे? नहीं नहीं, और अबू कितना मिस कर रही हो? हाँ बहुत ज़्यादा। अब वो चले खैरियत से पहुँच गए, आज मेरी बात हो रही थी कज़न पिक करने गए हुए थे, वो खैरियत से पहुँच गया और नाश्ता भी कर रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अबू इतनी जल्दी नहीं, 12 बजे पहुँच गए पूरे, तकरीबन समझे 10:15 से 12 यानी 14 घंटे का सफ़र किया है, पता है आपको इतना जल्दी तो नहीं हुआ, 14 घंटे या 14.5 घंटे का सफ़र हो गया। चलें ये आप बनाना शुरू करें, और नमाज वगैरह पढ़ ली थी फिर अभी जो है ना बैठते हैं कुछ ये बनाने के बाद, फिर मैं निकल जाऊँगा ऑफिस के लिए, ठीक है? और यहाँ पर देखें जब सारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया और उसमें चम्मच मारने के लिए अभी ये आ गए, यहाँ पर देखिए सारी मेहनत मेरी है। आप क्या दिखाना चाहते हैं? इनको इनाम दे देना और वर्ल्ड कप दे देना, ठीक है? ये लोग ना सारी मेहनत की इन्होंने। नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत सारा कुछ इन्होंने ही बनाया, पर अभी हेल्प कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अभी बस आलू भी मैंने काटने हैं, और ये हमने चावल भी भिगो के रख दिया, तो आज तो चावल बन जाएंगे, बाकी तो ख़त्म हो गया, और बाकी जब ये लेके आएंगे तो इन्हें बना दूँगी। पर मेरा फेवरेट खाना ही बनाया आपने, रोज़ तो मैं आपको बना के देती हूँ। क्या आपके फ्राई आलू और क्या? फ्राई आलू है, बस कर दे अभी, बस ये इस पे ध्यान दें, फ्राई आलू को भी छोड़ दें। अभी मैं जल्दी से ना ये काट लूँ, इनकी बारी भी आ गई है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में हमने पानी भी डाल दिया है, और शुक्र है अभी गैस बुला रहा है, तो इससे ना हमारे चावल जो है थोड़े से जल्दी बन गए, और मेरे हस्बैंड को भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। चले भाई अभी बन जाए फिर उन्हें देते हैं, अभी वो इनका वेट कर रहे हैं कब से। और यहाँ पर देखें चावल जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और साथ में मैंने रायता भी बनाया, ये तो मैं खाऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड दही तो बिल्कुल नहीं खाते, तो अभी चलते हैं उनको देते हैं, काफ़ी देर से ना वेट करें, अभी देखना सामने बैठेंगे। और यहाँ पर देखें बेचारे कब से इंतज़ार में हैं, भूख लगी थी। चले खाएं आपके लिए जल्दी बनाए,
हाँ मैं आ रही। मैंने अपना रायता बनाया ना। अपना रायता नहीं कुछ बना लीजिए अलका मुक्का। चलो आ जाओ। आप तो क्या बनाती आप तो दही नहीं खाते। देखो ये जना शिकायत कभी खत्म नहीं हो सकती। हाँ ये लाइफ का पार्ट है तो शिकायत तो रहेगी सदा। चले आपको भूख लगी है ना खाए। शिकायत रहेगी कोई बात नहीं आप खाए मैं अपना रायता लेके आया। चले जी अपडेट दे दीजिए कि अब्बू से सुबह बात हुई थी मेरी वो पहुंच गए थे। कदन ने बात करा थी कि उनका नंबर बन जा रहा था ट्रेन में भी बन जा रहा था तो मैंने इनकी ट्रेन को ट्रैक करना शुरू किया था और कज़न को गाइड करता रहा कि भाई अभी ट्रेन पहुंची है या यहाँ पर और यहाँ पहुँच जाएगी। तकरीबन अपडेट करता रहा। जब ट्रेन पहुँची तो कज़न ऑलरेडी वहाँ था तो शुक्र अलहमदिल्लाह अब्बू को उन्होंने रिसीव कर लिया और घर पहुँच के अब्बू ने नाश्ता भी कर लिया था तो उनसे भी बात होगी। घर पर खाना भी बना लिया और अब निकल लेंगे हम ऑफिस और जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। फिलहाल निकलने लगे हम क्योंकि अभी थोड़ा सा जो है ना जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि 20 मिनट रहेंगे सिर्फ और बस पहुंच जाएंगे आराम से खैरियत से। तो चलते हैं जी अभी यहाँ पे देखे आज के बाद ये घर का सामान नहीं लेंगे इनकी तो छुट्टी हो गई। आज अम्मी आप क्या लाई हैं दिखाएं तो सही। ये फलूदा है कल बनाना है। आपको बनाना आता है? इसने पढ़ के बना लिया भाई। पढ़ के तो मैं भी बता दूं भाई ये इतने डब्बे मुश्किल से उठा के लाया हूं। दो दो कटन थे एक वो कटन है। ये जो कल कोरमा बनेगा ना उसमें डालना है और ये एक तो मीठा बन गया इन तीन डब्बों का और इसका कोरमा बनेगा। चलें जी और ये पर्दन क्या लेकर ये खुशबूदार पाउडर किस चीज का है? ये लहसुन का पाउडर है। ये कोरमे में डालेंगे। कोरमे में डालते हैं मैंने देखा। खैर इसके साथ ऑयल का पेटी था ये सब थे और अम्मी छोड़ गई शॉप पे फिर मैं आया उठाते हुए आया मेरे सांस यहाँ आ गया सांस। चले कोई बात नहीं। दूध की पेटी थी उसमें समझे कितना लीटर 12 किलो 12 किलो की पेटी वो थी 5 किलो ये हो गया और ये 1.5 किलो ये ले लो 6.5-7 किलो की पेटी छठे फ्लोर पर उठा के लाया सांस यहाँ से बाहर आ रहा था। बेटा कोई बात नहीं जय काल शुक्र है ना आप सिर्फ दूध लेकर आता बाकी ये चीजें मैंने उसको कहा था शॉप वाले को कहा था कि ये भिजवा देना। चले भैया भी इनको रख देते सुबह उठ के जल्दी जल्दी ये भी बनाना है और ये बांट देंगे है ना। हाँ ये सुबह में खाले बड़ा दिन ना तो ग्यारह शरीफ। हाँ तो ये घर के लिए नहीं बना ये ना हम बांट देंगे बना के सब मिलजुल के बनाएंगे। हाँ, कल बनाएंगे आप भी बनाएंगे। अभी चलते छत पे देखते हैं पानी कितना है कितना चढ़ाया उन्होंने देखते हैं छत पे पर उन्होंने कितना चढ़ाया। चले सही है मैं ये सामान रख के मैं भी आ रही हूँ। बकार को भी कॉल की है बकार कह रहा मैं रास्ते में हूँ आ जाए तो वो कहीं बैठ हुआ दोस्त के साथ कहीं आ जाएगा। अच्छा अभी आ जाएंगे। 40 मिनट्स मैंने पानी चढ़ाया जाने देखते हैं कैसे। चले सही है। मेरी अब्बू से बात हुई थी अभी माशाल्लाह से वो खैरियत से पहुंच गए हैं और अपना जो है ना वहाँ पर मसरूफ हो गए हैं रिलेटिव से मिल रहे हैं और इधर सर अभी थोड़ा उनको रेस्ट हुआ है एक दिन का रेस्ट ले चुके थे तो नींद वगैरह पूरी करके मेरी बात भी फ्रेश थे माशाल्लाह से और शुक्र अलहम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत भी ठीक थी। इसके अलावा मैं ये डिस्कस करना चाहता था कि भाई काफ़ी जो है ना बुरा वक्त आ रहा है जो कि काफ़ी क्राइसिस वगैरह दिखने पड़ रहे क्योंकि देखें अभी जो ना हमें इंशाल्लाह ताला आपको पता है हर चीज़ में अखराजात होते ही होते हैं ऐसे है शादी को लेके या हमारे ड्यूज़ वगैरह पे करने के उसके लेके होते रहते हैं इंशाल्लाह ताला। बस यही आपसे आवाम से जो है ना रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें जो है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें इंशाल्लाह ताला ये भी हम कर लेंगे और फिलहाल हमारी अभी शादी जो करीब है इंशाल्लाह तकरीबन एक महीने या दो महीने रह गए ये जल्द से जल्द हम इनमें थोड़े से अरेंजमेंट्स कर लें और पूरी कोशिश है हमारी इंशाल्लाह ये हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि भाई हम नहीं जा सके जो अब कल और आज जो है ना मेरी ऑफ थी तो आज जो अम्मी ने एक 11वीं शरीफ का अहतमाम किया हुआ है उसके साथ साथ इंशाल्लाह शाम को मैं और अलीशवा जाएँगे और शॉप पर देख के आएँगे जो सूट जो है वहाँ पर उनके डिज़ाइन वगैरह और साथ साथ अलीशवा आप मेरी भी कुछ देख लेंगी क्योंकि जाहिर सी बात है शादी करीब है तो ये चीज़ें हमें अभी जल्दी करनी पड़ेंगी। फिर दूल्हे साहब का जो सूट वो खुद सोच रहे हैं कि मैं खुद जाके देख के आ जाऊँगा अब वो देखते हैं वो क्या देखता है क्या चॉइस है हमें बताएगा फिर हम उसको फाइनलाइज करेंगे इंशाल्लाह जल्द। बस यहीं पर अपना ब्लॉग एंड करते हैं नए आने वालों को वेलकम करते हैं भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी मुश्किल आसानी करे और उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे लिए दुआ ज़रूर करते होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। अपना ख्याल रखिए टेक केयर अल्लाह हाफिज़।